Hello everyone, today start a chapter, new chapter, sorting material into the group. We see the different type of the materials around us, such as the, you've seen the food, cloth, and blue card, chair, cloth, books, etc. So many items you do see the different type of the materials around us. So the sorting into the group of the material on the basis of the property, such as the one activity when we make the chart of the object and material they are made, such as the plate that are made of the steel, glass, plastic, pin made of the plastic and metal also. And when we make the second chart on the basis of the material and object of this material made up, such as the wood is also used on the chair for making the chair, wood is also used of the making the table, etc. Paper is also used for the making the books, notebook, newspaper, etc. That means so that the so many different type of the materials around us. The property we use so that we choose the material of the make the object depend on this properties and purpose which the object is used. So what are the property of the material, what is the importance of the usage, some properties that discuss there, such as the first of all appearance, second is hardness, third is soluble, insoluble, and next is object may be float or sink in water, and next is transparency. They are the some property where they depend we get sorting the material into the group. बच्चे इस चैप्टर में हमने जाना कि आसपास में देखे होंगे कि बहुत से जो मटेरियल का जो थिंग्स है जो बने होते हैं, जो इतना आइटम है सारे का क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो क्या सारे को क्या है कि आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसको कैसे सॉर्टिंग किया जाता है, कैसे ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप जो आसपास में जितने भी देख रहे होंगे कि आप अगल बगल में आप गौर कीजिएगा कि आपका पेन, आपके जो चेयर बने हैं, जो आपके घर में जो भी है, मोबाइल्स है, टीवी है, खिड़की दरवाजे हैं या फर्श है, सारा कुछ जो है वो अलग अलग मटेरियल से बना है। हम लोग क्या करते हैं कि उस मटेरियल के प्रॉपर्टी के आधार पर उसको हम लोग अलग करते हैं और उसी के आधार पर जहाँ जैसे मटेरियल की ज़रूरत होती है हम लोग वैसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक आप एक्टिविटी में इसमें दिखाया गया है बुक्स में कि आपको कलेक्ट करने का बोला जा रहा है। जैसे कि आपको एक बनाना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि प्लेट है, जैसे घर में आपका प्लेट बना होता है वो किस किस चीज़ मटेरियल से बना हुआ है। पहले देखिए आप गौर कीजिएगा, प्लेट है या तो मेटल स्टील का बना होता है, कुछ पे देखिएगा पीतल का बना होता है, कुछ चांदी का बना होता है, कुछ सोने का बना होता है और उसके बाद कुछ और ये जो देखिएगा ग्लास का भी बना होता है, शीशे का भी बना होता है। अगर हम लोग बात करें पेन की बात करें तो पेन भी देखिएगा ज़्यादातर तो ऐसा भी प्लास्टिक का मिलने लगा था, कुछ पेन जो है मेटल का ही बना होता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं एक ही तरह का ऑब्जेक्ट, प्लेट ही की बात कर रहे हैं तो प्लेट है वो दो तीन तरह के मटेरियल से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। पेन भी देखिएगा वो प्लास्टिक से बना है, मेटल से बना हुआ है। ये हो गया चार्ट। एक दूसरा चार्ट अगर हम लोग बनाते हैं कि मटेरियल है और उससे क्या क्या चीज बना है, ठीक है। यहां पर मैंने बात किया था कि ऑब्जेक्ट है जो बन गया है वो किस किस से बना, जैसे प्लेट है वो किस किस से बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं लकड़ी की बात करते हैं, मटेरियल है उससे क्या क्या बनता है। अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी से देखिएगा चेयर ही बनता है, टेबल ही बनता है, ठीक है, प्लंग बनता है, जो आपके घर में प्लंग होगा, दरवाजे खिड़की सारे कुछ लकड़ी के बना रहता है, ठीक है, वो लकड़ी का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। पेपर की हम लोग बात करें तो पेपर में देखिएगा कि आप देखिए बुक्स बनता है आपके, न्यूज़पेपर भी पेपर का बनता है, ठीक है, और यहाँ तक कैलेंडर भी हो गया। यानी बहुत सी चीज़ जो है पेपर का इस्तेमाल, आजकल तो देखिएगा कि वो थाली वाली जो होता है शादी ब्याह में खाने के लिए भी वही पेपर का ही बनने लगा है आजकल, क्योंकि जब प्लास्टिक पे बैठ हुआ। तो लेदर की बात करें तो लेदर पे देखिएगा लेदर का बहुत इस्तेमाल होता है, बेल्ट बनता है, जूते बनते हैं,
ठीक है, और भी बहुत से मटेरियल है, बैग बनते हैं, यानी कि कहने में बहुत इस्तेमाल होता है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग को एक मटेरियल का बहुत चीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह का ऑब्जेक्ट बनने में बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बनते हैं। ठीक है, हमने ये दोनों दोनों चार्ट में हमने देखा। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो ये जितने भी आपके जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टी होने, उसके जो गुण है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या चाहिए। यानी कहने का मतलब कि हम लोग ये नीड करते हैं कि या ये जो चूज जो करता है मटेरियल, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पर और पर्पस पर डिपेंड करता है कि कैसा जरूरत है, उसके हिसाब से हम लोग उसका मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो खाने बनाने के लिए वह कागज की चीज बनाइएगा, कागज का बनाइएगा तो कागज तो जल जाएगा। यानी कहने का मतलब वहाँ पर देखिएगा हम लोग मेटल का ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो खाना बनाने के लिए। अब भी गौर कीजिएगा कि यहाँ तक कि जो खाना बनाने का जो होता है, जो जहाँ गर्म होता है वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक या कुछ और भी अदर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो गर्म ना हो, ये भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहले पाइप जो था ज़्यादातर तो लोहे का बना था, आजकल तो प्लास्टिक का भी पाइप आने लगा है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर जिसका ज़रूरत है उसके हिसाब से फिर उसको चेंज भी करते हैं। यानी एक तरह के प्रोडक्ट को बहुत तरह से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल का प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब कि ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वुड बी इंपॉर्टेंट टू यूजेज, वो जरूरत है उसके यूज पर डिपेंड करता है, वो उसके हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि उसमें एक हो गया अपीयरेंस, देखने में कैसा लगता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल का। उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि इसका हार्डनेस, आप देखिएगा किसी कोई मटेरियल बहुत हार्ड होता है, कोई बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो हम लोग को जहाँ हार्ड चीज़ चाहिए वहाँ पर वो ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सॉफ्ट चीज़ वहाँ चाहिए वहाँ अलग तरह का। तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि हार्डनेस सॉफ्टनेस कैसे क्या होता है, और मटेरियल कौन मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट है कौन हार्ड है। उसके बाद सोल्यूबल इनसोल्यूबल, आप देखिए कुछ कुछ जो चीज़ जो मटेरियल होता है वो पानी में घुल जाता है, कुछ नहीं घुलता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कुछ जो मटेरियल है उस पर जो है कुछ पानी के अंदर वो तैरते हैं और कुछ पानी के अंदर डूब जाते हैं। दूसरी बात उसी देखिए आप, जैसे कि आपको बहुत ऐसी चीज़ जो बनाना जो कि जो है पानी के ऊपर रहना चाहिए तो उसी सब मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और भी डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी। आप देखिएगा कि कुछ ऐसा चीज होता है जहाँ हम लोग को ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पारदर्शी दिखने वाला चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसा चीज़ होता है जैसे बोतल में जो आपका जेम सॉस जो आपको मिलता है, शीशे का बर्तन मिलता है, क्योंकि उस पर डिस्प्ले बाहर से दिख जाता है, ट्रांसपेरेंसी को होने को चलता है। यानी कि आजकल प्लास्टिक का भी जा रहा है जो ट्रांसपेरेंट, जैसे चॉकलेट वोलेट जिस पर रखाता है बच्चे देख के ही अट्रैक्ट हो जाए। यानी कहने का मतलब हम लोग उसका भी ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ वो पारदर्शी होना चाहिए। इन ये सब मटेरियल है, हम लोग एक एक गुण के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हमने जाना कि मटेरियल को सॉर्टिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मटेरियल जो होता है कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा, तो पहले उसके प्रॉपर्टी पता हो तब ना उसके हिसाब इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी था और तब उसको हम लोग ग्रुप में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। ओके, आज भर यहीं तक, थैंक यू।